जय सियाराम दोस्तों, मैं अंकुश बर्मन और आप लोगों को स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज हम ड्रॉ करने वाले हैं बाबा रामदेव जी को। तो उनकी रेफरेंस फोटो को हम ग्रिड में कन्वर्ट करके ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए मैं इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता हूं। और इसे कैसे यूज़ करते हैं अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप मेरे पिछले कई सारे आउटलाइन वाले वीडियो में भी देख सकते हैं। और इसे आप ओपन कर लेना, यहाँ पर ओपन पर क्लिक करके अपना इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जिस इमेज को आप ड्रॉ करने वाले हैं। तो हमने इस रेफरेंस फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। तो मैंने पहले ही अपने ड्रॉइंग कॉपी में ग्रिड बना लिया है ए4 साइज पेपर में। तो इस रेफरेंस फोटो को भी हम ए4 साइज में कन्वर्ट करेंगे। तो इस रेफरेंस फोटो को हम ए4 साइज में लेने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपने रेफरेंस फोटो का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर A5 से लेकर 0 तक है। तो मैं इस रेफरेंस फोटो को तो A4 साइज में ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ पर मैं A4 सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको राइट साइड के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब हम इस रेफरेंस फोटो को क्रॉप कर लेंगे इस तरह से। तो आपको इतना पार्ट ड्रॉ करने को मिलेगी, ऊपर आपको क्रॉप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये क्रॉप हो गए हैं। अब हम यहाँ पर जो बॉक्सेस है ग्रिड के ऊपर, इस लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस या फिर इन लाइनों से इन लाइनों का डिस्टेंस कितना रख के आप ड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर रखा था 1 इंच का आधा। 1 इंच में लगभग 25 मिलीमीटर होता है। यहाँ पर इसका आधा कितना हुआ, 12 हाफ। तो यहाँ पर आप 12 हाफ नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं 13 लिख दूंगा। तो यहाँ पर 13 एंटर करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर कितना मिलीमीटर रखना चाहते हैं, तो 13 मिलीमीटर हम एंटर कर देंगे। यहाँ पर आपको भी कर देना है अगर आप A4 साइज में ड्रॉ करेंगे तो। ओके कर देना है, उसके बाद डन। तो अब हम इसको 1 इंच का आधा करके नाप लेंगे, तो आप लोग भी नाप लीजिएगा। तो मैंने नाप लिया है दोस्तों। तो ऊपर आपको लॉक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है ताकि हाथ से लग जाए तो ये जूम ना हो जाए। और इस रेफरेंस फोटो का लिंक और इसके आउटलाइन वाले फोटो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। तो आउटलाइन वाले फोटो मैं अपने इंस्टाग्राम में भी अपलोड कर दूंगा, तो आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और मैं इंस्टाग्राम में अपने ड्राइंग से रिलेटेड अपडेट देते रहता हूँ, तो वहाँ से भी मेरे से जुड़े रहिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर दिया गया है, और यहाँ पर 16 लाइन्स आया है इधर से, इधर से भी आपको देखना है 22। तो हमने इसी तरह से अपने ड्राइंग कॉपी में तो बना लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 बॉक्सेस हुआ है। तो इसी तरह अब हम देखेंगे रेफरेंस फोटो का आउटलाइन हम कहाँ से स्टार्ट करें। हेयर के ऊपर से, तो टॉप पार्ट से, इस पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे ये गया है आउटलाइन, आप लोग देख सकते हैं। तो इस पार्ट से ये पार्ट हमें अपने ड्राइंग कॉपी में ढूंढना है। ये हम ढूंढने के लिए यहाँ पर यहाँ से देखना होगा ये जो लाइन गया है ये किन नंबर लाइन से गया है, ये पार्ट 9। और इधर से आपको देखना है इसके आसपास की जो लाइन गया है इस लाइन को, ऊपर से 9 और इधर लेफ्ट साइड से 2। यहाँ पर भी ढूंढेंगे, तो ये रहा 9 और इधर से 2। इस पॉइंट से यहाँ तक का दूरी कितना है इसके अंदाजा से आप देखा दीजिएगा, या फिर आप मेजरमेंट लेकर भी कर सकते हैं। और इसी तरह से आप इस पार्ट से यहाँ तक का दूरी कितना है आप ना आपके डॉट देखें, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखें, उसके बाद इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। और इसी तरह से आपको जोड़ जोड़ के इस रेफरेंस फोटो का आउटलाइन ड्रॉ करके कंप्लीट करना है। इसी तरीके का इस्तेमाल करके मैं इस आउटलाइन को ड्रॉ करके कंप्लीट कर दूंगा। तो आप लोग देखते रहिए, और इसका जो ट्यूटोरियल वीडियो नेक्स्ट कलर पेंसिल से ही करूँगा, तो आप लोग उसके लिए भी वेट करना।